तुम सावधानी करे मानोगे थोड़ो। आज मैं देख रहा था छत के ऊपर से, अब खाने को नहीं मिलता है, लेकिन कम से कम देखते तो हैं, ऊपर देख रहे थे, एक एक चार चार वो इतने भारी भारी, वो क्या थे, कुछ बने थे, कुछ पीले पीले से क्या बने थे, ढोकला ढोकला ढोकला, और लोग खा रहे थे चार, तो मैंने सोचा भी चार चार ये खा रहे हैं, फिर वो ब्रेड वेड था कुछ वो खा रहे हैं, फिर जाने क्या क्या खा रहे हैं, फिर ये खाना कैसे खाए, वो भी सब खा लिया, खाना भी सब खा लिया, सैया बलरामचंद्र की जय। ए हल्का खाओ, नहीं नहीं इनका कर चढ़ रहा है राजेंद्र का तुम्हारे ऊपर, जी हाँ, उतनी मेहनत करो, उतना काम करो, वरना गड़बड़ हो जाएगा। जिसका अन्न खाओ उसकी भलाई के लिए, उसका एक माला रोज इनके लिए करो, सब लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला करो, जिसका अन्न खाते हो ना उसको उतारने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला करना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो भरत जी महाराज तीसरा जन्म होता है भरत जी का, और जाकर के ब्राह्मण के घर में जन्मे हैं, उसके पहले से ही ब्राह्मण के आठ बच्चे थे, नवे ये हुए, बड़े हुए, छह महीना बाप ने इनको गायत्री पढ़ाई, ये बोले नहीं, बोले अब बोलेंगे नहीं। सबसे बड़ा तप कौन सा है, मौनम तपः, इस कलयुग में सबसे बड़ा तप है मौन व्रत, सबसे बड़ा, भाई कम से कम झूठ नहीं निकलेगा, किसी के लिए कोई बुराई की बात नहीं निकलेगी, ये तो सब बच जाएगा ना, आप कुछ भी ना करें, ये तो बस बच रहा है आपका एक महीना, बोले नहीं, तो इनका नाम वहां भी इनका नाम भरत पड़ा, लेकिन पिता ने कह दिया जड़ भरत, जड़ माने मूर्ख, बोलते ही नहीं, इसको शासन नहीं, पिता तो मर गया, अब पिता मरने के बाद आठ भाई, भैया तो भैया का संरक्षण कर सकते हैं, लेकिन जो देश देश के भूपति नाना जो भाभियां आती हैं, ये माने तब ना, भाभियों ने विचार किया ये तो बैठे बैठे खाता है, ये बेटा बैठे बैठे क्यों खाते हो, कुछ काम नहीं कर सकते हो, मैं क्या करूं, बोले भैंसिया ले जाओ चला खिलाओ, ये तो जड़ भरत ठहरे, ले जाकर के अपने खेत में कर दी, पूरा खेत साफ करा लिया, अब आठ भाई अपनी अपनी बहुओं को पीटने दौड़े, हाय तूने क्या किया है, मूल को तुमने काम सौंप दिया, सब खेत कब गया, दूसरे ने बोले तू भैंसिया नहीं चला पाएगा, खेत में पक्षी उड़ा, फिर पहुंचे ये ना तो करते नहीं थे, किसी से बोलते नहीं थे, ना नहीं करते, तो बस वहां बैठ गए मंचाल पर और बोलने लगे, आओ पक्षी खाओ खेत, आओ पक्षी रामे से नहीं यार रामे खेत, पक्षी खाओ भर भर पेट। अब भाइयों ने फिर अपनी बहू को डांटा, तब तीसरे दिन बहू अब भाभियों कल नहीं पढ़ सकती थी, वो इसको रोटी नहीं दे सकती थी, बोले बेटा अब तेरे कुछ नहीं किया, तू ऐसा कर खेत में जा और ऐसे हाथ करके धोखा भर के खड़े हो जा, ये तू कर सकता है, सो जाके बिचारे ये खड़े हो गए ऐसे करके, बोले वाह ये तपस्या, मगर दैवियों की बात, एक वजीर था और उसने बोला था कि अगर हमारे लड़का पैदा होगा तो मैं नरबलि चढ़ाऊंगा काली देवी को, इसके लड़का पैदा हुआ, अब दूत आए ढूंढने उसके, और तो कोई मिला नहीं, खेत में ही ठाड़े हैं, इन्हें पकड़ लो, मोटे थोड़े शरीर के पकड़ लिए गए, ले जाए गए देवी के सामने, अब ये तो बड़े मगन बैठे आराम से, और भोजन आया, जिंदगी में कभी खाने को मिला नहीं था, खूब खाया जाते, लोग कह रहे थे कैसा इसकी बलि होने वाली, खाता है ये, जानते नहीं थे बलि वाले क्या होता है, खूब खिलाया पिलाया, बढ़िया सोने से नीचे से ऊपर तक लाद दिया गया, बलि को सजाया जाता है, और लादने के बाद जो ही उठाया उसे मारने के लिए, उसी समय काली प्रसन्न हो गई और काली ने तलवार छीन करके सभी डाकुओं का वध कर दिया और भक्त की रक्षा कर ली, थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद उसके चल दिए, घर में पहुंचे आठ भौजियां, थोड़ी टूटी नहीं निके,
सो जो देखो लला नीचे से ऊपर तक सोने में लगे। सबसे बड़ी बोली लला हमाओ, छोटी बोली तुम्हारे का हमाओ नहीं। अब आठों लग गई, धीरे धीरे सब उतार लो, कपड़ा उतार लो। बोले लला फिर पहुंचो, कोने पहुंचो, फिर खड़े हुए। दूसरे दिन क्या हुआ कि एक सौवीर देश का राजा रघुगण कपिल जी से ज्ञान सीखने जा रहा था। उसके पालकी के एक कहार के पैर में लग गया काटा। अब तीन कहार पालकी कैसे चला पाए? आज्ञा मिली भाई कोई कहार पकड़ के लाओ। रात में कहार कहाँ रखा? यही श्रीमान जी मोटे तुले खड़े सिपाही पकड़ ले गए, बचा दिया पालकी। अब कहार तो अपने हिसाब चलता है, ये बेचारे पंडित जी ठहरे, इनको कभी पालकी देखने को नहीं मिली थी। तो अब ये जीवों को बचा के कूदे, कोई चीटा मिले तो कूदे। और जानते हो पहले चलते थे सुखपाल, नाम तो उनका सुखपाल था, पक्के दुखपाल थे। इतनी मोटी एक लकड़ी लगाई जाती थी, उसमें इड़िया पिड़िया बांध करके सजा करके उसे पीरस बनाया जाता था। तो जब वो कूदे तो राजा का सिर उसमें टकरा गया ऊपर। तो राजा ने कहा ये तू मरा हुआ है क्या? महाराज जी नहीं बोले। फिर दोबारा टकराया, बोले मैं राजा हूं तुझे दंड दूंगा। महाराज जी ने विचार किया, अब बोलना पड़ेगा, कोई संत के कंधों पर आवके और उसकी अवनति हो जाए तो बड़ा दोष लगेगा संतों को, आप तो बोलना पड़ेगा। महाराज जी ने कहा राजन तुम ही राजा नहीं हो, मैं भी राजा हूं, और मैं ही मरा नहीं हूं, तुम भी मरे हुए हो और दुनिया मरी हुई है। राजा ने कहा ऐसा कोई कहा तो बोल नहीं सकता है। तो एकदम कूद पड़े पीरस से, देखा यज्ञ उपवीत पड़ा हुआ था, भव्य लड़ा करता है, चरणों पर गिर पड़े। महाराज आप ब्राह्मण हो करके और हमारी पीरस में मचे हैं, हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, आप कौन है? तब इन्होंने अपना परिचय दिया, मैं ब्राह्मण हूं। महाराज आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप राजा तो नहीं है। तो महाराज जी ने कहा यहां का तो राजा नहीं हूं, लेकिन कहीं का राजा हूं। जब मरेंगे हम तुम तब क्या होगा? कोई सिंहासन चढ़ी चले कोई बंधे जात, आवा है सो जाएगा क्या राजा फकीर? कोई सिंहासन चढ़ी चले कोई बंधे जात जंजीर। अरे तुम राजा हो वहां जंजीरों से बंध के जा सकते हो, और मैं सिंहासन बैठ के जा सकता हूं। उसने आपने कहा कि दुनिया मरी हुई है। महाराज एक बात हमारी समझ नहीं आई, क्योंकि ये शरीर जब मर जाता है लोग आत्मा को अजर अमर कैसे कह सकते हैं? आत्मा क्यों नहीं मरती? यहां पर ये प्रश्न किया है रघुगण, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है भरत जी। राजन सुन, तू दूध को उबाल कढ़ाई में या बटलोई में, दूध को उबाल और जब खूब दूध खौलने लगे तो उसमें चावल डाल दे, पकेंगे। बोले महाराज बिल्कुल पकेंगे। बोले अच्छा एक काम कर, उन्हीं चावलों के साथ में एक कंकड़ और डाल, कंकड़ पकेगा? बोले साहब नहीं पकेगा। बोले बस यही हाल है, ये बटलोई है, इसके अंदर चावल भी है लेकिन इसके अंदर कंकड़ भी है। कंकड़ क्या है? अजर अमर रहने वाली आत्मा, न जलती है, नैनम छिन्नति शस्त्राणि, नैनम धरि कावका, न छेदम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुता। जला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, कोई उसे काट नहीं सकता। मरने के बाद कष्ट कौन भोगता है? कौन कष्ट भोगता है? ये शरीर नहीं भोगता है, आत्मा भोगती है। और अभी कौन भोगता है? अच्छी एक बात बताओ, ये अंगुली काटी जाए तो दर्द कैसे होगा? ए शरीर को है शरीर को अच्छे, जब मरने के बाद में क्यों नहीं होता? तुम तो जला दिए जाते हो, अब उसमें ना आंच लगती है ना कष्ट होता है। जब तक वो आत्मा शरीर में है तब तक काटने का दर्द होता है। तो भोक्ता कौन हुआ? कर्म जो किए हैं वो भोक्ता हुआ आत्मा। तो वही आत्मा जा करके भोग भोगती है, चाहे वो यहां भोगे चाहे वो वहां भोगे, भोग रहा है। वही पर 28 नरकों का वर्णन किया है भरत जी ने।
उसी संदर्भ में 28 नरकों की बात सुनकर के राजा परीक्षित के तो रोमांच खड़े हो गए। बोले महाराज इसका मतलब क्या है कि दुनिया में सब नरक को जाते हैं, स्वर्ग को कोई जाते ही नहीं है। 28 है भाई, थोड़ा बहुत तो पाप सबसे होता है, नहीं होता सबसे होता। दो बार बहू का नाम लेना पड़ेगा तभी आगे कथा हो पाएगी। बहुत अच्छी कथा आगे आ रही है। राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे।
भगवान की जय हो। कोमल की मम्मी जब नाचती हैं तब गजानन जी बैठ जाते हैं। डर जाते हो कहा? बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान सुखदेव ने जब नरकों का वर्णन किया तो राजा परीक्षित की रोमांच हो गए। बोले महाराज सब नरक को जाते हैं जीव? बोले नहीं, मरने के टाइम पर अगर जीव के मुंह से एक बार भी भगवान का नाम निकल जाए तो व्यक्ति तर सकता है। बोले महाराज तब तो बहुत अच्छी बात, जिंदगी भर पाप करो और मरने के टाइम पर राम हरि कृष्ण कुछ कह दो। बोले वो ही नहीं सकता है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कहिया वतनाही, नहीं निकल सकता। अगर निकल जाए महाराज किसी के मुंह से निकला जो बड़ा पापी रहा। बोले कान कुब्जे दुजा कष्ट दासी पत्रजा मिला नामना नष्टा चारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज नगर में, कन्नौज तो सुना ही है, कन्नौज में एक ब्राह्मण था जिसका नाम क्या था? अजामिल। अजामिल शब्द नहीं है, शब्द है अजमिल, हो गया अजामिल। अज कहते हैं, अज कहते ब्रह्म को और अजा कहते माया को। हमारा हम आप आए थे अज से मिलने के लिए, ब्रह्म से मिलने के लिए, और मिल गए अजामिल माया में। काऊ ठगिनी ने लूटी है, काऊ ठगिनी ने लूटी नगरिया रे काऊ बन जाता जीव। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संगति से गुण उपजई संगति से गुण जाए। कज्जल संसर्गेण हस्ता कृष्णा भवती और चंदन संसर्गेण हस्ता सुगंधित हो जाता। चंदन में हाथ लगेगा तो हाथ सुगंधित हो जाएगा और काजल में हाथ लग गया जाने या बिजाने वो काला हो जाएगा। ये अजामिल पापी नहीं था, पिता का बहुत भक्त था और बाढ़ पिता के धर्म। लेकिन एक दिन ये जाता है फूल लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, वहां इसने एक वैश्या देखा और उसको देख करके इसने अपनी पति को पत्नी को छोड़ करके उस वैश्या को घर में ला दिया। और आप जानते हो ब्राह्मण, मैंने बताया था भैया के ब्राह्मण दासी करे। और फिर क्या हुआ? एक वैश्या के संसर्ग होने से चोर हो गया, डाकू हो गया, जितने जितने पाप थे वो सब करने लगा। लेकिन देखिए लोग कहते बाढ़ई पूत पिता के धर्म। एक दिन क्या हुआ, सात महात्मा अयोध्या से चले वृंदावन के दर्शन करने के लिए। तो बीच में कन्नौज पड़ता है, रात हो गई थी, तो एक पुलिया पर कुछ लोग बैठे थे। बोले भैया कोई अच्छा ब्राह्मण का घर हो तो मैं वहां रात में भोजन भी कर सकूं और वहां रह सकूं। तो तुमने देखा होगा गांव गांव में और शहरों में भी बड़े लोग मजाकिया होते हैं,
तो लोगों ने कह दिया यहाँ सबसे ज्यादा शुद्ध बुद्ध एक ब्राह्मण है, वो है अजा जा, आप उसके यहाँ चले जाओ। अब बेचारे महात्मा क्या जाने, महात्मा वहां पहुंच गए। अजा घर में नहीं था, थी तो वो वैश्या, लेकिन जब उसने महात्माओं को दरवाजे पर देखा, बोले महाराज हम आपका धर्म नष्ट नहीं करेंगे, मैं वैश्या हूं और ये आप आटा डाल लीजिए, अपना भोजन बना के कर लीजिए। खैर महात्माओं ने भोजन बनाया। स्त्री चाहे तो अतिथि को भोजन हो सकता है, स्त्री न चाहे तो आप खिला नहीं सकते हो। नाराज हो तो बात कहूं, तुम लोगों में नवऊट के मक्कर भी होते हैं। कितने होते नवऊट के मक्कर? नहीं सुना मैं कभी? मैं सुनाता हूं। एक एक सेठ बहुत अच्छा था, उसको बहुत प्रेम था संतों से, कोई मिल जाता था तो घर लाता था, उसके मन की चीज को खिलाता था। एक दिन क्या हुआ कि सात महात्मा, छह सात महात्मा उसे मिले, घर पर लाया तो पूछा महाराज आज क्या खाएंगे आप? तो महात्माओं के मुंह से निकल गया हमें दही बड़ा पसंद है, बहुत अच्छी बात है। अपनी पत्नी से कहा तू दाल पीस जल्दी और मैं अभी दही लेके बाजार से आता हूं। वो तो चलिए बाजार में दही लेने चला जा रहा, वो दाल पीसती जाए रोवत जाए रोती जाए पीसती जाए रोती जाए, आंसू टप टप गिरे। तो महात्मा बिचारे विचार किया क्या बात हो गई, बोले बेटी तू काय को रो रही है? अरे बोले बाबा छोड़, अरे नहीं बेटी बताओ। अरे बोले क्या बताएं, हमारे पति की कुछ मामला लूज हो गया है। तो क्या करते हैं? बोले करते क्या, रोज ऐसे बाबा पकड़ के लाते हैं और उनको भोजन के बहाने बिठाल करके फिर मूसल के द्वारा उनका सर कूटते हैं। बाबा बोले आज भी यही होने वाला? बोले आज हो, अभी तक तो ऐसे होता रहा, अब हमें आज पता नहीं। तो बाबा बोले कि देवी हमें भाग जाने दो। बोले जल्दी कर जाओ, जल्दी भागो। तो भागे बेचारे बाबा, और तब तक सेठ आ गया। सेठ ने कहा बाबा जी कहां गए? अब और जोर से रोने लगी। हाँ ऐसे बाबा होते, घर के घर को मूसल मांग रहे थे, हमने दौड़ा है मूसल, उनके हाथ ने हद कर दी, बाबाओं को मूसल उठाया, मूसल कदा पर धरा, पीछे पीछे बाबा जी ले जाओ। अब उसने कहा हाँ ये तू आ रहा है, और लंबी चाल कर दी। ये है वैश्या होते हुए भी उसने महात्माओं को खुराक दी। महात्माओं ने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद भी खा चुके थे। अब महात्मा ने सोचा कि जिसका अन्न खाओ और अगर उसका काम उसने किया तो दूसरे जन्म में उसके घर में जन्म लेना पड़ेगा, उसका कर्ज अदा करना। हाँ जिसका अन्न हम खाते हैं और अगर हम उसको अदा नहीं करते हैं तो दूसरे जन्म में चाहे बच्चा बनो चाहे उसके घर में बैल बनो कुछ बनो बनना पड़ेगा, उसका वो भार भरना पड़ेगा। महात्माओं ने विचार किया, अब नहीं चलना। वैश्या बोली जल्दी हटो यहां से, आने वाला है राक्षस। बोले आ जाए, संत दरबारे पर आए और तुम्हें जीव का कल्याण हो तो संत की इसमें बदनामी। अजा ने लाया, महात्माओं को देखा तो आग बबूला। बोले देखिए आग बबूला मत हो, ये मैंने भोजन कर लिया, वो तो लौटने वाले हैं नहीं, और ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा नहीं दी जाए ये ठीक है, हमें दक्षिणा चाहिए। अजा मिल ने कहा दो दो लठ मारू। बोले लठ नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले तेरे स्त्री के पेट में पुत्र है, उसका नाम रख लेना तू नारायण, हमारी दक्षिणा हो गई। अब मैं बड़ा खुश हो गया, पुत्र का नाम सुन के बड़े लोग खुश हो जाते हैं। तो बाबा तो चले गए और देखिए कुछ समय के बाद इसके पुत्र पैदा हुआ, छोटा लड़का है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बड़े से ज्यादा प्रेम होता है माता पिता का, छोटे से होता है बीच वाले लघु लिप्त हुआ होता है। ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल गलत कहावत है। ऐसी कहावत है माता पिता का प्रेम सबसे होता है। तो देखिए जरा कुछ समय के बाद पैदा हुआ, नाम था नारायण। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सब समय नारायण नारायण नारायण। और एक दिन समय आया,
और ये चिल्लाया वो अरे काले काल दूत हा हा मुझको लेने के लिए चाहे भगवान के पास में तो नंद सुनंद आएंगे और नहीं तो वो सीर वाले बड़े बड़े भयानक आपने देखा वो लोग मरते चिल्लाते हैं पैसा आ गया है ये काले काले काल दूत बच्चा खेल रहा था अपने फिर चिल्लाया कि ओ नारायण ओ नारायण थोड़ा कर लेकिन भावड़ मत बचाओ। अरे कोई तुमको कह गया है कितनी कर लो कोई कह गया कि 100 बार बोलो एक बार ओ नारायण ओ नारायण इस दीन बाप की खबर करो पीछे पड़ गया है। मस्ती की मस्ते मस्तों की बस्ती में मस्तों की बस्ती में आता है कोई को है कोई बोलो जिसमें उसने मस्ती से कहा दुखी होकर के कहा उसी समय भगवान के दूत प्रकट हो गए नंद सुनंद जय और विजय चार तरफ आ गए। यमराज के दूतों को मार मार के भगा दिया और अजामिल को छुड़ा दिया। मरा नहीं ले नहीं गए फिर 12 वर्ष अजामिल गंगा के किनारे रहता है। रेणु फकी गंगा जल पिया एक ही मंत्र उसका था ओम नमो नारायण है इस मंत्र का जप किया और उसका कल्याण हो गया। भागवत में नाम आ गया इतने बड़े पापी का नाम भागवत में आ गया इतना असर है नारायण शब्द ओम नमो नारायण एक माला रोज किया कर बहुत सब ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण करके दिया। और एक बात और याद रखो
डरने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, जहां मरना है वहां अपने आप पहुंच जाओ। हाँ, वैसे कोई नहीं मार सकता, जहां मरना है वहां। उसमें पद्म पुराण में कथा आती है कि एक दिन जमराज भगवान कृष्ण से मिलने आए द्वारिकापुरी में, इसी द्वारिकापुरी में यमराज आए थे, तो देखा कि एक कबूतर जो है वो खेल रहा था, है? और जमराज ने देखा तो हंस गए, और जमराज की हंसी अच्छी नहीं होती है तो बेचारा कबूतर सुकड़ गया, डर गया। तो गौड़ ने पूछा, अभी तू बड़ी मस्ती ले रहा था और अब सुकड़ गया? अरे बोले, जमराज देख के हंस गए, इनकी हंसी का मतलब समझते हो? दुनिया हंसे तो आदमी हंसे, और जमराज हंसे तो दुनिया फंसे। भगवान के दर्शन करने चले गए द्वारिकापुरी में यमराज महाराज, और गरुड़ ने कहा, देखता हूं मैं यमराज क्या कहते हैं। कितनी चाल है गरुड़ की, 400 कोस दूरी पर एक बरगदा का पेड़, उसमें गुफा थी, जाके कबूतर को बिठा दिया, पल झपकते लौट, और यमराज जी भगवान कृष्ण के दर्शन करके द्वारिकापुरी के जब बाहर आए, ऊपर को निगाह करी, कबूतर नहीं था, फिर हंसे। तो गरुड़ ने पूछा, महाराज क्यों हंसे? बोले, हंसे गरुड़ इसलिए मैं कि इसकी 400 कोस दूरी पर एक बरगदा के बिल में बैठा हुआ बिलाव इस कबूतर को खाने वाला है। मैं सोच रहा था, ये तो द्वारिकापुरी बैठा है, कैसे पहुंचेगा? मुझे हंसी आ रही थी, ये मरेगा तो कैसे मरेगा? तूने मेरा काम बना लिया, जाके देख लो। कबूतर देखने गए वहां, हड्डी गुड्डी भी नहीं थी, है? जा मरना है तो पहुंच जाओ, जाना पड़ेगा वहीं पहुंचे। आप ना पे ताए का ताए कहां ले जाए? तो देखो, अजामिल का कल्याण हुआ। इसके बाद में कथा दी है, गुरु मत करो, और गुरु करो तो उसका पालन करो। ऐसा कहते हैं, एक दिन बृहस्पति महाराज इंद्र की सभा में पहुंचते हैं, नाच गाना चल रहा था, ये तो मस्ती मस्त थे, गुरुदेव खड़े रहे घंटों, किसी ने पूछे ही नहीं, तो बिचारे लौट गए, और गुरु नाराज हो गए, ये भाग करके गुरु के पास गए, गुरु लक्षित हो गए, दर्शन नहीं दिए। और शुक्राचार्य जब ये बात सुनी तो राक्षसों का आक्रमण करवा दिया। अब इंद्र हारने लगा, गुरु की शरण नहीं है, रास्ता बताने वाला कोई नहीं। तब ये ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा, एक उपाय है, अगर दधीची की हड्डी मिल जाए तो काम बन सकता है। दुनिया में सबसे बड़ा स्वार्थी कौन है? देवता है? पहला नंबर किसका है? बोले, सुर नर मुनि। सुर नर, उसके बाद हम तुम हैं, फिर मुनि। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। देवता पहुंच गए, महाराज कृपा करो। तो उनकी पत्नी जो थी वो जल लेने गई थी, उसका नाम था सुवर्चा पत्नी। और तब तक देवताओं ने क्या किया, इनसे हड्डी मांगी, गऊओं को बुला करके नमक लगा करके इन्होंने अपने शरीर को चटवा दिया, हड्डी तो मिल गई, लेकिन सुवर्चा ने इनको श्राप दे दिया, तुम्हारे भी किसी के संतान नहीं होगा। हड्डी लेके तीन अस्त्र बने हैं, दो धनुष बने हैं, एक वज्र बना है, वज्र इंद्र के पास रहा, एक धनुष जनकपुरी में है, एक कंस के दरबार में। एक साल बहुत भयानक युद्ध हुआ है भरतासुर से। पहले क्या किया इन्होंने, विश्वरूप को इन्होंने पुरोहित बनाया। पुरोहित जानते किसे कहते हैं? जो यजमान का पूरा हित करे उसका नाम है पुरोहित। क्या करे? पूरा हित। आजकल कितने हित करते हैं? पूरी बनी, अपना झोरा पहले भर लिया, पार में जाए बचे शायद बचे, ये गलत है। सब भोजन कर जाए उसके बाद में ही पुरोहित को अपना गठबंधन करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। विष्णु को क्या करते हैं कि जो बच जाता था वो अपने ननिहाल भेज देते थे, लेकिन ननिहाल की राक्षसों में। इंद्र को अच्छा नहीं लगा, पंडित जी को समझाया, नहीं माने पंडित जी,
उठा करके तलवार तीनों सिर इनके काट दिए। अब ब्रह्म हत्या पैदा हुआ। राजा इंद्र ने क्या किया, उस ब्रह्म हत्या के चार टुकड़े कर डाले। एक टुकड़ा जल में डाल दिया, एक टुकड़ा अग्नि में डाल दिया और एक टुकड़ा पृथ्वी पर डाल दिया और ब्रह्म हत्या एक टुकड़ा स्त्रियों पर डाल दिया। इसीलिए आषाढ़ के महीने में आपदा निषिद्ध लगता है, गंगा को छोड़कर के किसी नदी में स्नान नहीं की जाती, उसमें नदियां रजस्वला होती है। अग्नि दो जगह की अपवित्र होती है, एक तो मुर्दा जहां जलाया जाता है, दूसरे जहां होली की जो पहली लपट निकलती है ये बहुत अपवित्र होती है, शरीर में नहीं लगनी चाहिए, अगर लग गई तो शरीर अपवित्र हो जाता है, इसलिए उसको जलाने वाले निश्चित होते हैं, उनको पैसा देकर जलवाया जाता है। पृथ्वी में डाल दिया, ये पृथ्वी जो है जहां जहां बंजर है, इसलिए मकान जब बनाते हो तो पंडित से पूछते हो कि महाराज जरा इसका संशोधन करें, तो ब्राह्मण क्या करता है कि चार जगहों पर गड्ढा करता है, एक एक हाथ का उसमें पानी भराया जाता है, अगर पानी सूख जाए गड्ढे चढ़ जाए तो वहां ब्रह्मत्ता का निवास है, मकान कभी नहीं फलेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ है पानी बना रहे या तीता गड्ढा बना रहे चक्का नावे तो ठीक 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 और फिर संसार की स्त्रियों पर हत्या कर दिया गया। स्त्रियों ने कहा महाराज हम तो सबको भोजन कराती हैं, संत महात्माओं की सेवा करती हैं, हमारा क्या होगा। तब कहा कि महीना में तीन दिन के लिए तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या आएगी, प्रथमे हंचाण्डाली, द्वितीय ब्रह्मघातनी, तृतीय रज की प्रोक्ता, चतुर्थे स्नान शुद्ध। तीन दिन दोषी उठता है, चौथे दिन स्नान करके स्त्री शुद्ध होती है। इन दिनों में स्त्री को चाहिए अपने पति को, अपने से बड़ों को, किसी ब्राह्मण महात्मा को भोजन न करावे, और अगर कराती है नहीं मानती है तो जानते क्या लिखा है, क्या लिखा है, तुम्हें कौन बनना पड़ेगा दूसरे जन्म में, कुतिया बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, कुतिया, और तुम्हारे आदमी क्या बनना पड़ेगा, बैल। हम वैसी बात नहीं बोलते, लिखा है, पंचमी किताब पढ़ के देख लेते, उसका निदान क्या है, गलती हो जाती है सबसे, तो भादो के शुक्ल पक्ष की जो ऋषपंचमी आती है वो सात वर्ष कम से कम व्रत, उसमें अन्न जुता हुआ चमन नहीं खाई जाती है, सब ऋषियों की पूजा की जाती है, बहुत सरल पूजा है, उसको सात वर्ष अवश्य करने हैं, वरना ये दोष खत्म होने वाला, भागवत कथा सुन के भी ये दोष खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए पंचमी का ही व्रत। उसके बाद में वृत्तासुर से युद्ध होता है, और वृत्तासुर को पैदा किया था तुष्टा ने, विश्वरूप के पिता ने, तो वृत्तासुर ने क्या किया, ऐरावत हाथी के समेत इंद्र को अपने मुंह में खींच लिया, तब इन्होंने अपने वज्र के द्वारा उसके पेट को फाड़ करके और बाहर निकले। यहां पर एक बड़ी कथा बढ़िया आती है, चित्र की तो कथा आती है, माने इंद्र ने वृत्तासुर से पूछा था तुम्हें ये पूर्वजन्म का ज्ञान कैसे है, तब उसने बताया था, राजा चित्र की कथा सुनाई थी, एक राजा चित्रकेतु था, भागवत जी की कथा है छठे स्कंद की, उसके एक करोड़ रानियां थी, कितनी थी, एक करोड़, एक करोड़ रानियां कैसे हो गई, इसका नाम था चित्रकेतु, चित्र माने फोटो बनाने वाला, और इसने संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली थी, तो शाम को ये उन फोटो को जिंदा कर लेता था, और सूर्यास्त के पहले इसको विसर्जन करना पड़ता था, एक दिन क्या हुआ ये सो गया, विद्या खत्म, तो एक करोड़ स्त्रियां इनकी बनी की बनी रह गई, संतान किसी के नहीं थी, एक इसके पत्नी एक थी। एक दिन अंगिरा ऋषि और नारद जी पधारते हैं, उनकी कृपा से एक बालक पैदा हुआ, लेकिन नारद जी ने कहा यह बालक पांच वर्ष जिंदा रहेगा, तो भगवत प्रेमियों जब वो बालक मर गया तो अब राजा रानी बड़े दुखी हुए, तब नारद जी ने आकर के उस बालक को जिंदा किया, माने अपनी आत्मा को उसकी आत्मा में प्रवेश करवा दिया, और कहा राजन
उस जीव ने कहा, माने उस बच्चे ने कहा, अरे किसको तू बात करता है, जाने कितनी बार हम तुम्हारे बाप बन चुके हैं, कितनी बार तुम हमारे बाप बन चुके हो, कौन किसका बाप और बेटा है। तब इसे ज्ञान होता है। तब उस लड़के ने बताया, नारद जी ने बताया कि मैं तुम्हारा बेटा क्यों बना। बोले एक वृद्धा थी, तुम महात्मा थे, उसके दरवाजे पर मांगने गए तो वृद्धा ने कहा भाइयों तुम्हारे पास कुछ है नहीं, ये भोजन है, एक ये लकड़ है, इसको आप ले जाओ, क्योंकि 1 करोड़ रानियों ने जहर दे दिया था उस बच्चे को। तो महात्मा ने जाकर के लकड़ जलाया तो उसमें 1 करोड़ चींटियां बैठी थी, वो जल गई। उसका मैंने एक खुराक खाई थी। देखो मैंने भी क्या कहा था कि अन्न का, ये भागवत कथा है, अन्न का चिंता करना पड़ेगा। वो जीव कहता है, नारद जी जिसके शरीर में प्रवेश कर गए हैं, वो जीव कहता है कि मैं वही हूं महात्मा, मैंने एक खुराक तुम्हारी खाई थी, इसलिए इतने दिनों के लिए तुम्हें तुम्हारे घर में हमें तुम्हारा बेटा बनना पड़ा, एक खुराक तुमने दान की थी गरीब होकर के भी, इसलिए तुम महारानी बनी और हमको तुम्हारा बेटा बनना पड़ा। 1 करोड़ रानियां जो रो रही हैं, इन्होंने जहर देके मुझे मारा, इनका भी कोई दोष नहीं है, मैंने इनको जलाया, इन्होंने हमको जला दिया जहर। वही चित्रकेतु राजा आगे चलकर के वृत्तासुर बनता है, उसे पूरी जन्म की पूरी याद है। उसके बाद भगवान इंद्र ने अपने गुरु को प्रसन्न किया। इस बीच में कथा और आ जाती है कि नहुष को राजा बना दिया गया था इंद्रलोक का, लेकिन प्रभुता पाई काय बदनाई, जब इसके इसको इंद्र बना दिया गया तो इसने कहा इंद्राणी हमारी पत्नी बनी, इंद्राणी पत्नी बनी। अब इंद्राणी गुरु के पास भाग के गई, गुरु ने कहा इस समय तुम्हारी मत हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि से काम लो, ये सारा कर दिया। इंद्राणी बड़ी बुद्धिमान है, उसने नहुष से कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पति आज तक जिस वाहन पर बैठे हो उस वाहन पर बैठ करके हमारे पास आ जाए और एक घड़ी में आ जाए तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगा। अब ये व्याकुल हो गया, राजा तो सब पर बैठा है, हाथी घोड़ा पीर सब पर बैठा है, विचार किया राजा कभी महात्माओं पर नहीं चला, बुलाए सप्तऋषि, हे बाबा जी थोड़ा काम करो, ये पीने उठाओ हमको बिठा के ले चलो। महात्मा बड़े सरल होते हैं, इंद्र बैठ गया पीनस में, लेके चले। अब चूंकि एक घड़ी थी ना तो बार बार कहता था ए जल्दी सरफ 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 मैंने जल्दी सरफ सरफ मैं जल्दी करो जल्दी करो। महात्माओं को क्रोध आ गया और कहा तुम सरफ सरफ जाया चले जाते जाओ सर्प हो जाओ। तो राजा नहुष सर्प हो गया। जब बद्रीनाथ से जाओ तो वो उस कहानी बताते हैं कि वहीं पर राजा नहुष सर्प बना था, बद्रीनाथ ये रास्ते में पड़ता है कहीं। उसके बाद इंद्राणी की बुद्धि से गुरुदेव प्रसन्न हुए, इंद्र को लेकर के आए, यज्ञ करवाया दोबारा और तब जाकर के उनको 1 साल के बाद में इंद्रासन। इसके बाद में कथा आती है दिति महारानी की। दिति ने अपने पति को प्रसन्न किया लेकिन शाम के समय अपने पति से इच्छा जाहिर की, उसका फल क्या हुआ, दैत्य पैदा हुआ और वृत्तासुर के मरने से दिति ने कहा मेरे बाल ऐसा हो जो मार डाले इंद्र को। इंद्र को खबर लग गई, इंद्र ने उस बच्चे के पहले 7 खंड किए, फिर वो रोने लगे माता के व्रत के प्रभाव से नहीं मरे तो उसके 49 खंड कर दिए, 49 वही 49 पवन ये जो चलते हैं ये कितने 49 पवन हैं जो इंद्र के अधीन है, माने माता दिति ने इंद्र के अधीन कर दिए थे। इसके बाद में कथा आती है प्रहलाद महाराज, बहुत अच्छी कथा। बोलिए गोविंद भगवान की।
अब ये प्रहलाद जी की कथा और बलिवामन की कथा, गजग्राह की कथा और दो अध्याय में संपूर्ण रामायण की कथा, ये कथा कल आपको सुनने को मिलेगी। कई वजह से? जय भगवान, जोर से बोलो। 9 बजे से, 2 बजे से लेकर के और 5 बजे। देखो तीर्थ भी करो, हम ही नहीं कहते तीर्थ न करो, अच्छी बात है, लेकिन हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। ये भोजन किस लिए कर रहे हो? किसे कर रहे हो? कथा के लिए कि ये पिकनिक बनाने के लिए? लोग पिकनिक बना रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। कथा के टाइम पर तुम खूब जाओ, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। 2 बजे, अब देखो जितने लोग बैठे हो इससे चौगने यहाँ हो, खाने के टाइम पर तुम देखना यहाँ पूरा ये फील्ड बड़ा मिलेगा आपको, उसकी खाली जगह नहीं मिलेगी। और इस समय कितने लोग बैठे हैं, हमारी तो आधी पार्टी नहीं है यहाँ, देखो सब खाली पड़ी है, तो ये गलत है। कल से समय का ध्यान रखिएगा, कल बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं। और अब आप जानते हो आगे तो कृष्ण जन्म है, जहाँ बैठे हो उस नगरी कथा आ रही है, द्वारिकापुरी कथा आगे आ रही है। और अभी मैंने विचार किया है कि जो कथाएं नहीं सुनाई हैं वो सुनाऊंगा, वही सुना रहा हूँ। ये कथा मैंने कभी बहुत देर से नहीं कही, अजामिल कथा भी ऐसे कहते थे, फिर उसकी ये इंद्रवाली कथा भी नहीं कहते थे, ऐसे छोड़ देते थे, क्योंकि थोड़ा इनमें रस कम है, तो इसलिए मैं सोचता था कि चलो लोगों के उभाऊं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि नई कथा, ये चौथा धाम हमारा भी है और तुम्हारा भी सबका चौथा धाम है, हो सकता है भगवान इसी से गाड़ी पार कर दे। अब एक बार बड़े प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अरे बोल मेरी रसना हरी 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 एक भजन छोटा सा बोल दो फिर कथा बंद कर दे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे।
शिवानी जय हो जाए भगवान।